नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या हो देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। लोनी में ऑटो वालों से हो रही अवैध वसूली को लेकर बजरंग दल के लोग आगे आए हैं और ऑटो वालों को समर्थन कर रहे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लोनी के उप जिला अधिकारी से मिले और लोनी में ऑटो वालों से हो रही अवैध वसूली के बारे में अवगत कराया, जिसके बाद उप जिला अधिकारी ने शिकायत का संज्ञान में लेते हुए जांच के बाद कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आप लोगों ने लोनी नगर वाले को ज्ञापन दिया है, इसके बारे में? मेरा नाम प्रदीप गहलोत, मेरा निवास स्थान पंचलोक टोनिका सिटी है और मैं बजरंग दल का एक कार्यकर्ता हूँ और ये पूरी टीम बजरंग दल की और अन्य संगठनों की टीम है। आज हमने माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है जो कि मंडोला से और लोनी बॉर्डर और पुस्ता चौकी से खजूरी और लोनी तिराहे से मोहन नगर, ये जितने भी ऑटो चलते हैं इनमें अधिकांश संख्या ऐसी संख्या होती है जिनके पास लाइसेंस नहीं होता और उनकी गाड़ी के ऑटो के पेपर नहीं है पूर्ण तरह से, और जिनकी उम्र कम से कम 18 वर्ष से कम होती है, जिनमें 70% लोग आपको ऐसे पाए जाएंगे। और इसमें मैंने माननीय जिला उप जिलाधिकारी महोदय को ये भी बताया कि इनके द्वारा स्कूल के टाइम पर जो छात्राएँ हमारी बहनें जो स्कूल के टाइम पर जाती हैं उनके साथ बदतमीजी होती है। अपने ऑटो में वो गाने बहुत अभद्र तरीके के गाने चलाते हैं और अपने साथ दो तीन मुस्टंडे आगे बैठा लेते हैं और लड़कियों के साथ बदतमीजी की जाती है, महिलाएं बैठ। सर, गाजियाबाद के लोनी में अवैध ऑटो चल रहे हैं बिना परमिट के और जिन पे कागज भी नहीं है और बिना लाइसेंस के लोग चला रहे हैं, नाबालिग भी चला रहे हैं कुछ, उसको लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आज आपको ज्ञापन दिया, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसमें जाँच के लिए हमने TI लोनी को आदेश कर दिया है कि ऐसे सभी टेम्पुओं की विस्तृत जाँच करें, ऐसे जो भी टेम्पो अवैध रूप से चल रहे हैं उन्हें बंद करें, और इसमें टेम्पो एसोसिएशन को भी एक एजेंडा जारी करने के लिए आदेश किया है कि ऐसा कोई भी टेम्पो अगर सड़क पर पाया जाएगा तो निश्चित रूप से सीज किया जाएगा। एक एडवाइजरी भी जारी करा रहे हैं जिसमें इन शर्तों के साथ ही वो टेम्पो चलाएंगे, ओवरलोडिंग नहीं करेंगे, अपनी पहचान भी उसमें SP ट्रैफिक के स्तर से भी एक निर्देश दिए गए हैं कि अपनी पहचान भी उसमें अंकित करेंगे, जहाँ आदमी बैठता है उसके सामने ही वो अपना पूरा टेम्पो का नंबर, चालक का नाम और पूरा ब्यौरा दर्ज करेंगे।